आते हैं और इनके आतंक के पर्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटा ट्रांसपोर्टर डरता है वो विधायक को महामंत्री को आतंक के पर्याय को सुनिए। छोटा ट्रांसपोर्टर हो या बड़ा ट्रांसपोर्टर हो हम आम में सब देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी ने माल छोड़ा, सौ नग लेकर के आया, एक ट्राली वाला सौ नग एक साथ नहीं ला सकता है, वो 25-25 करके लाएगा और 25 जब पूरे 100 हो जाएंगे तब वो बिल लाएगा। अगर इसी बीच में अगर आपने रेट डाल दी तो वो 25 का दो नंबर बना देते हैं आप, दो नंबर हो जाएंगे हमारे। दूसरी चीज, सड़क के ऊपर से जो माल आ रहा है जमीन से, राजेश भाई जमीन से, जमीन के अंदर माल नहीं आता है, माल सड़कों से आता है और कितने नाके कितनी चेक पोस्ट को पार करके हुए आता है। कैसे आपके पास आपकी कितनी इकाइयां हैं? 12-12 इकाइयां हैं, 14-14 इकाइयां हैं जो एक्टिव हैं, जो एक्टिव हैं। क्या कर तमाशा बना दिया हम लोगों का? हम लोगों ने चूड़ियां पहन ली, आइए डाल करके दिखाइए, आज आपको भी देख लेंगे, आपके प्रशासन को भी देख लेंगे। आइए आज आप डालिए आज आप। अभी एक महीने पहले यहाँ पे छापा पड़ा तो आपकी एसोसिएशन कहाँ थी? कहाँ ये आप और ये आपने आप अंकित भाई आपका मतलब ये है कि उसको ऑर्डर रहने दे, उसको ऑर्डर रहने दे, उसको जवाब दीजिए, बोले देखे जवाब जवाब दीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं मैं उसका कहीं पर भी भागीदार नहीं। आप जो बोलना चाहते हैं, जो प्रश्न करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना मेरे भाई हो, आप लेना देना नहीं है इनका। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कमिश्नर की बैठकों में आप होते हैं, व्यापार बंधु की बैठक में आप होते हैं जिसमें एडिशनल कमिश्नर होता है, हैं व्यापार बंधु की बैठक डीएम के माध्यम से जो होती है आप बताइए, मेरी आवाज कहीं दबी हुई है? मैंने हमेशा विरोध किया इस बात का, देखिए मैंने हमेशा विरोध किया, लेकिन वही है जो आज से 3 साल पहले हुआ था, तब भी मैंने बराबर हुआ एक यूपीएमटी का चुनाव कवर किया था, उस पर मत जाइए मेरा नहीं है। यूपीएमटी ने सर्वसम्मति से कहा था कि अगर जनता में कोई कानपुर नगर के अंदर कोई भी सरकार की छापेमारी होती है तो जनता उसके राज में खड़ी होगी, उतर ये विरोध करेगी। कितने दिन में ये बताइए, कितने दिन में विरोध? आप एक जब तक संस्था को सूचना नहीं होगी अधिकारी छुपो ना यहाँ पे।